हाय एवरीवन, आज की रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके नेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पहले आप क्या करेंगे, आप जो भी नेल रिमूवर यूज़ करते हो आप वो लोगे और आपने जो भी नेल पेंट लगाई है आप उसको उतारोगे अच्छे से। पॉलिश जो है वो रिमूव हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है लहसुन, और लहसुन का आपने लेना है सिर्फ एक जवा, ठीक है, एक जवा आपने लेना है। और इसी एक जवे को जो है वो आपने पूरे नेल्स के ऊपर, आगे भी और इसके ऊपर भी, यानी जहाँ से नेल्स की लेंथ शुरू होती है, आपने इसको अच्छे से लगा लेना है। जो भी इसके अंदर से इसका जूस निकलेगा वो अपने नाखूनों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। इसको तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट रखना है। ये देखिए नेल्स के ऊपर भी ये लग गया है और नेल्स के सामने भी आपने लगा लेना है, फ्रंट पे, ठीक है। इससे आपके नेल्स जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, आपके नाखून जो हैं वो टूटेंगे नहीं। जिन लोगों के नाखून टूट जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो उनके नेल्स जो हैं वो टूट जाते हैं। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट रखना है आपने और थोड़ा सा वेट कर। 5 से 10 मिनट रखने के बाद जो है आपने लेनी है थोड़ी सी कॉटन और उसके ऊपर आपने लेमन निचोड़ना है। अच्छे से आपने लेमन को निचोड़ लिया और उसी लेमन को आपने फिर अपने नेल्स के ऊपर भी अच्छे से आपने इसको साफ़ कर देना है। अच्छे से आपके सारे नेल्स जो हैं ये लेमन के जूस से साफ़ हो गए, ठीक है। आपने इसको भी तकरीबन 5 से 10 मिनट ही रहने देना है अपने नाखूनों के ऊपर। जो भी आपके नाखूनों के ऊपर पीलापन होता है, जो कि नेल पेंट की वजह से आ जाता है, उसको आपने लेमन के जूस से इस तरह अच्छे से आपने साफ़ कर देना है। ये अच्छे से साफ़ हो गए और ये जो स्किन है आपने इसको इसी तरह कॉटन की मदद से पीछे की तरफ हटाना है, ताकि आपके नाखून जो है इनकी शेप जो है वो बड़ी लगे, लंबी लगे, नेल्स जो हैं वो लंबे लगने चाहिए आपके। अच्छे से आपने ये सारा हो गया रिमूव। आपने लेना है ठंडा पानी, ये देखें, जिसके अंदर आइस क्यूब भी हो। फिर आपने अपने नाखूनों को इसके अंदर डिप रखना है तकरीबन कोई 2 मिनट, बस 2 मिनट आपने रखना है। और 2 मिनट के बाद जब आपके नाखून हो जाएंगे अच्छे से साफ हो गए इसी ठंडे पानी में, ये नहीं कि प्रॉपर रखना है आपने, बस रखना है, निकालना है, रखना है, निकालना है, और बस देखिए नाखून मेरे कितने अच्छे से साफ़ हो गए, बिल्कुल नीट हो गए हैं, ठीक है। फिर आपने जो भी आपका फेवरेट कलर है नेल पेंट का, आपने वो अपने नेल्स पे लगा लेना है। जी, रेमेडी हमारी जो है वो डन हो गई है। और आपने जब भी ये रेमेडी करनी है तो आपने नेल पेंट को उतारना है और उसके बाद आपने ये रेमेडी करनी है। और आप देखिएगा कि आपके नेल्स लंबे भी होंगे और इतने सख्त हो जाएंगे कि ये